हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो अभी हम पहुंच चुके हैं श्रीलंका के साउदर्न एरिया में। यहाँ पर एक जगह है हिक्काडुआ और वहाँ पर एक है टर्टल बीच, वहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप इजीली ट्रेन से आ सकते हो स्टेशन तक। हिक्काडुआ रेलवे स्टेशन है, वहाँ तक आ सकते हो और वहाँ से फिर टुकटुक वगैरह लेके जो कि 200 से 300 लंकन रुपीज़ जो है चार्ज करेंगे, आप यहाँ पर डायरेक्ट बीच पे आ सकते हो। यहाँ पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हो टर्टल्स, उनको खाना वाना खिलाना, ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। चलो अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ का जो टर्टल्स वगैरह है कैसे क्या है, उनको कुछ खाना वाना लेके अभी खिलाते हैं अपन। तो भाई साहब ये है यहाँ का टर्टल बीच, देख लो बीच तो बहुत शानदार है यार, ये देखो बहुत शानदार बीच है। यहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर्स हैं, सब टर्टल्स के संग खेल रहे हैं। अपन भी चलते हैं अब जाके मस्त टर्टल्स के संग खेलते हैं, उनको कुछ खिलाते हैं, ठीक है। ये है टर्टल बीच। तो भाई यहाँ पर ये जो अंकल थे ना, इनसे हमने ले लिया है टर्टल का खाना, ये रहा, ये देख। पहले हमसे बोल रहे थे 2500 लंकन रुपीज, 2500 लंकन रुपीज का है, ठीक है। उसके बाद हमने बार्गेनिंग करी तो 500 लंकन रुपीज में देखे गए, समझ लो भाई 2500 से 500 में आ गए। तो भाई ये घूम रहे हैं टर्टल्स, ये देखो अंदर में, ठीक है। अब इनको जो है खाना खिलाना है, अभी कैसे होगा हमें नहीं पता, ट्राई करते हैं कुछ। बहुत बड़े बड़े टर्टल्स हैं भाई, और ये देखो लहरें इतनी जोरदार आ रही हैं, अभी हम लगता है पूरे कपड़े भींगने वाले हैं हमारे। यहाँ पर अभी एक और अन्ना मिले हैं। हेलो अन्ना। हेलो ना सीरी। या तो ये हमको लेके जा रहे हैं अभी शार्क दिखाने, भाई साहब यहाँ पर जा रहे हैं हम लोग शार्क देखने, बेबी शार्क। इट विल बाइट मी और नॉट? नो बाइट, नो बाइट। ओके ओके। तो भाई ये है यहाँ का खूबसूरत समुद्र और यहाँ पर अब हम लोग जा रहे हैं शार्क देखने। यार अभी यहाँ पर देखने आए हैं जो शार्क, यहाँ का पानी देख रहे हो कितना एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है, ये देखो नीचे का एकदम क्लियर दिख रहा है। अब यहीं कहीं ढूंढ रहे हैं शार्क मिल जाए। What is this? Sea agents. The Japanese people very happy can eat the mouth. Oh. No, no, no. I don't want to eat this. No, not eat. Take a photo. Yes, yes. Okay, done. Oh, oh. Shark नहीं दिखी भाई अभी तक यहाँ पर, हमें लगता है वो आगे की साइड होगी इसलिए यहाँ पर दिख नहीं रही है। सो भाई अभी वहाँ पर गए थे इन अंकल के साथ में, कोई शार्क वगैरह देखने को नहीं मिली, दिखती है लेकिन दूर दूर दिखती है। तो भाई ये अपने चक्कर में हमसे कह रहे 500 रुपये दे दो हमें, हमने हेल्प करी, हमने भाई हमने आपने क्या किया, हमने दिखी नहीं शार्क, दिखती भी अलग उधर जाके तो भी समझ आया उतनी दूर गए पैर में और लग गई हमारे, उधर पे पत्थर वगैरह थे। तो काफ़ी घूम लिया भाई टर्टल बीच। अब ये देखो अपने शूज़ वगैरह ले लिए हैं, पैर वैर पूरे गंदे हो गए हैं, अब चल रहे हैं इधर कहीं बैठने की व्यवस्था देखते हैं, थोड़ा बैठेंगे और उसके बाद जो है पैर वैर धो के फिर वापस निकलेंगे। अब कोलंबो के लिए आज निकलना है हम लोगों को वापस। और अभी वहां से हम आए ना तो यहाँ पर ये देखो कुछ रिजॉर्ट टाइप का बनाया, होटल्स वगैरह रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, बैठ सकते हो यहाँ पर। और ये देखो यहाँ पर जो है नल वगैरह लगा हुआ है, शावर लगा हुआ है कि अगर आप वहां से आ रहे हो बीच में से भींग के तो यहाँ पर नहा धो सको, हाथ पैर धो सको। तो अभी कुछ देर पहले हम लोग थे वहां पर, वो जो बीच है वहां पर, अब यहाँ आ गए यहाँ पर। ये देखो ये बना हुआ है रेस्टोरेंट, यहाँ पर बैठने की पूरी व्यवस्था है। वहां पर हमने अभी अपने शूज वगैरह रख दिए हैं, यहाँ पर स्विमिंग पूल वगैरह है, स्विमिंग पूल के ही मजे ले सकते हो। और यहाँ पर चेंजिंग रूम्स एंड टॉयलेट्स बने हुए हैं, यहाँ पर सेपरेट बने हुए हैं लड़का लड़कियों के अलग अलग, तो यहाँ पर ये सारी व्यवस्था आपको मिलती है। और बस चलो अभी चलते हैं यहाँ पर, कुछ ऑर्डर करते हैं, कुछ खाते हैं। अभी बस बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये जो रेस्टोरेंट है ओपन रेस्टोरेंट ही है यहाँ पर, अभी हमने आपको दिखाया, ठीक है। यहाँ पर वेज में हम देख रहे थे तो सिर्फ चीज सैंडविच अवेलेबल थी, तो अभी हमने चीज सैंडविच जो है वही ऑर्डर कर दी है। बाकी यार क्या मतलब क्या लोकेशन है यार, ये हम जहाँ बैठे हुए हैं अभी हम आपको दिखा रहे हैं अच्छे से, मतलब जहाँ बैठे हुए हैं इसके सामने क्या नजारा है। तो ये अपना रेस्टोरेंट, यहाँ हम बैठे हुए हैं और ये देखो सामने यहाँ स्विमिंग पूल वगैरह है, बच्चे कर रहे हैं मस्त मजे, ये लो दमाम से गिर गया। और ये आई साहब सामने है अपना बीच, पूरा बीच यहाँ पर दिख रहा है।
तो अभी हम लोगों ने जो चीज़ सैंडविच ऑर्डर करी है ना, वो है 2400 लंकन रुपीस की। इंडियन करेंसी में देखें तो लगभग 600 रुपए की सैंडविच है, लेकिन अब यहाँ बैठना और खाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि वहाँ पर हम भींग चुके हैं अच्छे से, पूरा पैर वैर सब भींग चुके हैं, हाथ व्यात पूरा। तो अब हमको सूखने के लिए समय चाहिए, जब सूखेंगे तभी हम शूज़ वगैरह पहन पाएंगे, उससे पहले हम शूज़ नहीं पहन सकते, इसलिए अब हमारी मजबूरी है यहाँ पर बैठना, इसलिए अब हमको ऑर्डर भी करना पड़ा, भूख भी लग रही है हमें, इसलिए हमने यहाँ पर ऑर्डर किया है। चलो अब आ जाए तो देखते हैं भाई 600 रुपए की चीज़ सैंडविच कैसी है, आज तक हमने इतनी महंगी चीज़ सैंडविच कभी नहीं खाई। तो ये है भाई अपनी चीज़ सैंडविच जो कि आ चुकी है 2400 लंकन रुपीस की है। सर्व करने का तरीका देखा, पूरा ढककर लाया गए हैं क्योंकि अभी फिर से जो है बारिश स्टार्ट हो गई है यहाँ पर, ठीक है। ये है सैंडविच, दो पीसेस, साथ में इसके प्राइस भी हैं, तो ये देख लो भाई 2400 लंकन रुपीस की सैंडविच। चलो सबसे पहले यहाँ की प्राइस देखते हैं, प्राइस कैसे हैं। सही है, थोड़े थोड़े क्रिस्पी भी हैं, टेस्ट तो सही है। अब देखते हैं ये सैंडविच ट्राई करके, चीज़ मेल्टेड सैंडविच ऑर्डर की थी, मेल्ट होती हुई चीज़ तो नहीं है बट चीज़ है इसमें, ठीक है, बट 600 रुपए की भाई, 600 रुपए की बहुत ज़्यादा हो गया, उस हिसाब से नहीं है। तो चलो यार खाना हो गया, बिल हो गया, अब निकलते हैं यहाँ से वापस रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि अब समय हो रहा है, कुछ ही देर में हम लोगों को यहाँ से निकलना है कोलंबो की ट्रेन भी पकड़नी है। अभी 1:30 बज रहा है, लगभग 3 बजे के लगभग अपनी ट्रेन है, और अपना लगेज जो है ना वो रेलवे स्टेशन पे ऑलरेडी रखा हुआ है, वहीं रख के हम आ गए थे यहाँ पर बीच वगैरह। तो ये रहा अपना टुकटुक, इससे निकल रहे हैं हम लोग अब रेलवे स्टेशन के लिए 200 लंकन रुपीस में। अभी वापस आ चुके हैं हिक्काडुवार रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ पर लगेज रखा था, लगेज ले लिया है, और बाकी अभी यहाँ से करीब 1.5 घंटे बाद आएगी अपनी ट्रेन कोलंबो के लिए। अब यहाँ से जाएंगे वापस कोलंबो ट्रेन से ही। तो चलिए बस आज के ब्लॉग को फिर यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर बहुत जल्दी एक और ब्लॉग में। ये ब्लॉग कैसा लगा है आपको, ये बीच कैसा लगा है, और कभी भी श्रीलंका आ रहे हो ना तो ये बीच बिल्कुल मिस मत करना यार, एकदम अलग ही लेवल का बीच है, अलग ही एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिलेगा। और बाकी एक चीज़ है कि जो खाना वाना बेचते हैं ना, उन लोगों से थोड़ा सा वो रहना, यहाँ पर क्या है कि जो खाना उसका टर्टल का बेच रहे थे, हमने आपको बताया, वो पहले बोल रहा था 2500 लंकन रुपीस, फिर 500 में दे दिया, और कोई कोई लोग बोलेंगे आपसे कि भाई चलो इधर हम आपको ये फ़िश दिखाते हैं, वो फ़िश दिखाते हैं, वो एक हमको बोले कि शार्क दिखाते हैं, शार्क तो मिली नहीं, और हमसे कहते 500 रुपये दे, तो 500 रुपये भाई किस बात के यार, एक तो मतलब तुमने बोला आओ वैसे ही दिखा देते हैं, उसके बाद दिखी भी नहीं, और फिर कह रहे हो 500। तो ये है, इन लोगों से थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। वैसे ये इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है भाई कि लोग बहुत बढ़िया हैं श्रीलंका के, लेकिन कहीं कहीं जहाँ पर इस तरह का भाई वो उनका काम धंधा ही यही है ना, तो वो इसलिए आपको इस तरीके से पैसे मांगेंगे। तो चलो आज के ब्लॉग को एंड करते, मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक टाटा बाय बाय।